सारी सुविधाएं अवेलेबल है ड्राइवर हमारे मालिक तो यहाँ यही है। हेलो वेलकम बैक साथियों, स्वागत है आप सभी को फिर से हमारी एक नई वीडियो में। साथियों आज है 11 नवंबर दिन शुक्रवार है। आज हम ब्लॉग अपना शुरू कर रहे हैं बिलासपुर की, यहाँ जो फैक्ट्री है इमामी का आरएस मेटा के पास, यहाँ हमने गाड़ी अपनी लोड करी है। आप पीछे देखिए गाड़ी हमारी खड़ी है, अब हमारी गाड़ी लोड हो गई है। अब हम जा रहे हैं बिल्डिटी बनवाने, इनवाइस हमें दिया गया है फैक्ट्री के द्वारा, तो इसमें बिल्डिटी लगेगा और यहाँ से हमें खर्चा दिया जाएगा। कौन है भाई? ठीक है काका। प्यारे साथियों हम लोग आ गए हैं हमारे ट्रांसपोर्टर के पास, यहाँ देखिए अब इनके पास हमें अपना बिल्टी बनवाना होगा और खर्चा वगैरह लेना होगा। हमारे मालिक तो यहाँ यही है, यही हमें खर्चा देते हैं, तो इस तरह से हमें यहाँ से पूरा खर्चा लेकर के जाना है पूरे एक नए सफर पे साथियों। ठीक है काका, सुन रहे हैं ना? घर कहाँ है आपका? घर कहाँ है? घर अच्छा कोनार, ये सामने वाला गाँव ना। ठीक है चलिए, चाय पीने जाएंगे क्या? चाय चलो, कहाँ मिलता है चाय? यह पूरा एरिया पार्किंग एरिया है, सामने सारी गाड़ियाँ यहाँ पार्क की जाती है। इसके बाद जिसका यहाँ से नंबर आता है उस गाड़ियों को भेज दी जाती है लोडिंग के लिए। एक सीमेंट षड्यंत्र बहुत बड़ा फैक्ट्री होता है और बहुत सारे लोगों को उससे रोज़गार मिला होता है प्रत्यक्ष रूप से, और अप्रत्यक्ष रूप से उनसे कहीं और ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिला होता है, जैसे कि मैं हूँ ट्रक ड्राइवर से, ट्रांसपोर्टर से, या फिर सीमेंट को जो ट्रेड करते हैं ऑनर स्टोर्स वाले, वे सारे लोग एक तरह से लिंक होते हैं सीमेंट फैक्ट्री से। तो सीमेंट फैक्ट्री एक बहुत ही बड़ा एक रोज़गार का अवसर लेकर आती है एक पर्टिकुलर एरिया में, और बहुत अच्छा विकास हो जाता है। चाय दे दो भैया, चाय दे दे। प्यारे साथियों तो आप देख सकते हैं कि यहाँ सारी सुविधाएं अवेलेबल है ड्राइवर्स के लिए, यहाँ खाने की सुविधाएं हैं, यहाँ तक कि कपड़ा दुकान सैलून वगैरह हर चीज़ यहाँ अवेलेबल है, क्योंकि हम गाड़ी वालों को ज़्यादा दूर जाने की सुविधाएं नहीं है, तो सब चीज़ यहाँ हमें अवेलेबल हो जाए तो बहुत अच्छी बात है यहाँ। और देखिए यहाँ मार्केट जैसा भी फील होता है सुबह, आसपास के गांव के लोग भी यहीं से ट्रेवल करते हैं, जो मुख्य रास्ता है बिलासपुर मार्ग वहाँ से जाने के लिए भी यहीं से बसेस भी मिलती है। भोजन का तैयारी हो रहा क्या भाइयों? हाजी हाजी। क्या बनाएंगे? बनाएंगे भाजी। अच्छा लाल भाजी बनाएंगे। पूर्ण हिस्सा अगर हम कहें तो यह है चलित ड्राइवर विश्राम स्थल। यह सुविधाएं मुझे बहुत अच्छी लगती है इनके द्वारा दी गई, क्योंकि कई फैक्ट्री में यह सुविधाएं नहीं मिलती। देखिए यहाँ बढ़िया सभी के लिए चौकी लगी हुई है, यहाँ अपना बिस्तर लगा के ड्राइवर भाई आराम कर सकते हैं, और बाकायदा एक कूलर भी लगा हुआ है। मेरे साथ यह थी आरएस मेटा सीमेंट प्लांट बिलासपुर की कुछ तस्वीरें जो मैंने आपके साथ साझा करी है। साथियों आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, और अगर आपको यह मेरा काम पसंद आया हो तो अगर आप मुझे प्रोत्साहित करना चाहते हैं, मेरे काम को अप्रिसिएट करना चाहते हैं, तो प्लीज़ भाइयों इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और तब तक लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए।